यो व्हाट्सअप फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल क्रोम की कुछ शॉर्टकट ट्रिक। चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमारा ये कंट्रोल विंडो एल्टर टैब, यही से हमारे कुछ शॉर्टकट अप्लाई होते हैं। जैसे देख लीजिए, मैंने गूगल क्रोम पे काफ़ी सारे टैब ओपन कर रखे हैं। अब मुझे जैसे ये वाले टैब खोलना हो तो मेरे को माउस से इस पर क्लिक करना होगा या तो इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट कीबोर्ड की मदद से करना हो तो जैसे अभी ये वाला टैब है, फोर्थ नंबर पे है, तो इसको मैं Ctrl 4 करना होगा, Ctrl 4th करना होगा। देखिए हम फोर्थ में हैं। जैसे मुझे Ctrl 2 करना है, देखिए मैं 2 पे आ गया, ये मेरी सेकेंड टैब ओपन हो गई। और गूगल क्रोम का शॉर्टकट है, देखिए जैसे विंडो डी दबाते ही आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। विंडो डी दबाते ही आप फिर से उसी मेन टैब पे आ जाएंगे। अब आपको अगर अपने गूगल क्रोम की न्यू टैब खोलनी है, अगर आपको अपने गूगल क्रोम की न्यू टैब खोलनी है, जैसे एक टैब ओपन हो रखी है, उसके लिए आपको सिंपल सा प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल, उसके बाद एन। देखिए कंट्रोल एन प्रेस करते ही एक नई टैब ओपन हो जाएगी। देखिए एक नई टैब ओपन हो गई है। अब मेरे टोटल गूगल क्रोम की जो टैब है वो यहाँ से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 टैब ओपन कर रखी है, जिसमें से ये पहली वाली मेरी मेन टैब है जिसमें मेरे कुछ काम चल रहे हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं मेरे बाकी की टैब, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपने गूगल क्रोम में इग्नू टैब ओपन कर सकते हैं। इग्नू टैब में जिसमें आपकी हिस्ट्री नहीं दिखती है, उसको ओपन करने के लिए आपको सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करना है। इससे आपकी देखिए इग्नू टैब खुल जाएगी। ये इसमें आपकी कोई भी वॉचिंग हिस्ट्री जो है वो नहीं दिखती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट पे आ जाते हैं हम। इसके बाद हम अपने माउस पे आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपके लैपटॉप में अगर माउस नहीं काम कर रहा है राइट क्लिक, जैसे मेरा देखिए राइट क्लिक काम कर रहा है, ये देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है और बाकी ऑप्शन आ रहे हैं। ये होती है राइट क्लिक, ये काम नहीं कर रही है, तो आपको कैसे काम कराना है। देखिए ये वाला आप देख रहे होंगे, ये आपकी एज अ राइट क्लिक काम कर दी। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी को ओपन करने ही ये आपका पूरा राइट क्लिक का काम, जैसे मुझे कंप्यूटर खोलना है और मेरा माउस नहीं चल रहा है, राइट क्लिक नहीं काम कर रही, इसको प्रेस करते ही ये देखिए आपके माउस से ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को जैसे ही आपका ये कलर पैनल, इसको चेंज करना नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ इसका कलर पैनल कैसे चेंज होता है। देखिए सबसे पहले आपको अपना विंडो प्रेस करना है Windows 7 में, उसके बाद चले जाना है कंट्रोल पैनल में। पैनल में आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ये देखिए अपीयरेंस एंड पर्सनल, इसको ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे विंडो को प्रेस करना है। विंडो प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल पैनल का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एडजस्ट अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस पर्सनलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना है चेंज विंडो ग्लास कलर, जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा, तो ग्रीन कलर। इस तरीके से आप अपने विंडोज़ के ग्लास के कलर को भी आप अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिक आ जाती है कंट्रोल टैब और ऑल्ट टैब की। चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। जैसा कि आप सब देख सकते हो मेरी 3 गूगल क्रोम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब जैसे मैं अपना एक कोई भी क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ये वाला ही ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे जैसे इसको चेंज करना हो, मुझे अपना नेक्स्ट क्रोम खोलना हो, तो सिंपल सा मैं माउस से ही अपना चेंज करूँगा। लेकिन अगर मेरे पास कीबोर्ड शॉर्टकट है तो मैं सिंपल सा कंट्रोल और टैब का प्रयोग करूँगा। ये आप देख सकते हो कंट्रोल टैब का यूज़ करने से बढ़िया ही टैब चेंज हो रही है। लेकिन अब मुझे डायरेक्ट पूरी टैब ही चेंज करनी है, तो दूसरी टैब ओपन करनी है, तो उसके लिए आता है एल्टर प्लस टैब। जैसे ये मैं एल्टर और टैब को साथ में प्रेस करूँगा, ये देखिए फ्लिपकार्ट की साइड ओपन हो गई, उसके बाद ये वाली साइड ओपन हो गई, इससे पहले वाली साइड और इसके बाद वाली। और अगर मैं विंडो और टैब को साथ में प्रेस करता हूँ तो ये देखिए जितने भी टैब अब तक ओपन हुए होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, स्क्रीन का भी डेस्कटॉप का भी। इस तरीके से आपके पास कुछ शॉर्टकट आ जाते हैं जिससे आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आते हैं विंडो टैब। ये आ गया आपका विंडो टैब, से आप पूरा विंडोज जितनी भी टैब खुली है वो सब देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ऑल टैब। ऑल टैब करने से आप अपनी अगली टैब और इससे पहले की टैब पे स्विच कर सकते हैं बड़ी इजीली से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।